हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम है आपका धैर्य आलोक व्लॉग्स में। आज मैं आपको लेके आया हूँ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे। ये है हमारा फार्म हाउस, ये देखिए, ये हमारे फार्म हाउस, ये देखिए, ये हमारी दादी जी आई हैं। नमस्कार दादी जी, ये चाय और बिस्किट खा रही हैं। इन्होंने कल बहुत मेहनत की है, धान इसकी गेहूं की कटाई किया इन्होंने। इनका घर आपको दिखा के लाते हैं। ये देखिए, ये है इनका बगीचा और वो दादाजी। तो आज का हमारा प्लान है खाना वाना खाकर जाएंगे हम पिलानी के लिए, तो आपको पिलानी में ही मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओह ये देखिए, ये हमारी गाय, ये हमारी भैंस है, ये देखिए, ये दूसरी दादी जी का घर है, ये देखिए। नमस्ते दादी जी। ये देखिए, तो गाइस हम फाइनली पंचवटी पहुंच गए हैं, जो पिलानी में है। यहाँ पर श्री राम की कुछ प्रतिमाएं हैं। ये देखिए गाइस, ये पंचवटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। पंचवटी का बाहर का दरवाजा है। ये देखिए हमारा धैर्य मस्ती कर रहा है। ये देखिए, वो नाम लिखा हुआ पंचवटी, ये पंचवटी है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो पंचवटी में ही रुके थे, तो ये उसके बेस पे बना रखा है। ये देखिए, उनके गुरुजी बैठे हैं। फोटो खींच दो भाई। ये देखिए हमारे धैर्य। ये यहाँ पर असली की डक्स हैं, ये देखिए। और यहाँ पूरी पंचवटी में ये एलोवेरा के पौधे हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए। अजूबा सा खड़ा कर रखा है छाकंगा। ये देखो, जंगल के बीच में हिरण की मूर्ति बना रखी है। ये वो हिरण है जिसके पीछे राम जी भागे थे। यहाँ पे राम और लक्ष्मण बैठ के अपनी बाणों की धार सही किया कर। देखो यहाँ से श्री राम जी, ये पता नहीं भाई क्या है। ये देखिएगा इस कमेंट में बताना ये क्या है, मुझे तो पता नहीं कौन है ये, आप बताना। और तो यहाँ देखो चारों तरफ जंगल ही है। ये देखो दूर दूर तक जंगल ही है। तो यहाँ पर पंचवटी, ये वो ही शिकारी है, हिरण का शिकार करने के लिए आया जंगल में, ये जो हिरण दिखाया था हमने आपको पीछे। ये देखो, ये एलोवेरा है में। देखो कौन तक गए हुए हैं एलोवेरा के पत्ते। ये देखो भाई, बहुत अच्छा वातावरण है। वो देखो वहां पे राम जी भी बैठे हैं, आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे राम जी बैठा करते थे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे राम से भरत मिलने आए थे। ये भरत मिलाव, ये राम जी अपने कड़ाव देते हुए भरत जी को। ये देखिए, ये भरत जी कड़ाव ले रहे हैं, आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए पूरे में एलोवेरा के हैं, पूरे में एलोवेरा के पौधे। आगे और भी कुछ है। ये राम और सीता अपनी पंचवटी के बाहर बैठे हैं। इस कुटिया में रहते थे राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के टाइम पे। ये देखिए
सीता मैया ने हिरण दिखा रही है, वो रहा हिरण। ये देखिए, ये देखिए, ये है वो हिरण जिसके पीछे राम जी भागे थे। ये आप बताना गाइस कमेंट में, ये क्या है? ये देखिए बंदर। ये सबरी जी श्री रामचंद्र को बेर खिलाते हुए, ये देखिए, ये री सबरी और ये री श्री राम भगवान और लक्ष्मी। ये वो समय है जब जटायु सीता मैया को बचाने के लिए गया था और रावण ने उसका एक पंख काट दिया था। श्री राम जब उससे मिले, ये तब का सीन है गाइस। ये देखिए, ये घायल जटायु और श्री राम उससे बातें कर रहे हैं। ये देखिए, ये सांप है गाइस, ये देखिए सांप। आपको ऋषि मुनि भी दिखाते हैं। ये देखिए कौन से मुनि थे बताइएगा। ये देखिए असली के मगरमच्छ और कछुआ, अगर आपको दिख रहे होंगे तो। ये रे हमारे एक और तपस्वी बाबा, देखिए ये गुफासी के अंदर क्या है। ये देखो सुग्रीव और बाली का युद्ध, और यहाँ से श्री राम जी ने तीर मारा, यहाँ से श्री राम जी ने उनको बाण मारी थी। ये देखिए आपको दिख रहे हो तो, आ गया कोई। ये देखिए ये सुग्रीव और बाली की लड़ाई, और यहाँ से श्री राम ने इनको तीर मारा था। ये देखिए राम परम भक्त श्री हनुमान जी अपने विराट रूप में लक्ष्मण और श्री राम भगवान को कंधे पर बिठाकर अयोध्या ले जाते हुए, लकड़ी काटते हुए। ये देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए जिराफ, इतना गर्म था तुम बैठ नहीं पाओगे। देखो ये ऋषि मुनि पानी पिलाते हुए, यहाँ पे टैप लगी हुई है देखिए। ये देखिए श्री राम जी ना ऊपर चढ़ते हुए उसके पैर छू रहे हैं। ये हमारा शेर शेर के मुंह में हाथ देते हुए है। ये देखिए टाइगर जंगल, जब भगवान श्री राम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये टाइगर भी आया था। ये देखिए ये ऊंट है, ये तो आपने देखा ही होगा असली में भी। ये जेब्रा, दो जेब्रा। पंचवटी हमने देख लिया फाइनली गाइस। अब हम पंचवटी के पास में एक मंदिर है, उसका नाम तो नहीं पता, अब इसे देखते हैं कैसा है। ये देखिए शिवलिंग रखी है गाइस। ओ ये भगवान भोलेनाथ की सवारी देखिए, नंदी। आगे जाने का रास्ता बंद है गाइस। ये देखिए भोलेनाथ जी की यहाँ पर बहुत बड़ी शिवलिंग है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये देखिए गाइस ये मंदिर है, ये नंदी, ये ही है गाइस इस मंदिर में। तो गाइस हमारा प्लान तो अब म्यूजियम का था, लेकिन म्यूजियम बंद है, वहां पर रिपेयरमेंट चल रहा है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।